हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर लेटेस्ट अपडेट आफ्टर अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स एशिया कप चैम्पियंस ट्रॉफी और खास तौर पे पीएसएल को लेकर बहुत सी डिस्कशंस हुई सो so आई नो पिशा स्टेडियम की वीडियोस भी अब उस तरह से जल्दी जल्दी नहीं आ रही कोई नहीं ज्यादा टाइम बाद आएंगी इस तरह से आपको काम भी ज्यादा दिखेगा जो कि सामने आपको दिख रहा है स्टेडियम में ब्यूटिफिकेशन का काम इसके अलावा जो बड़ा काम है सेफ्टी ग्रिल के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हुई है साथ साथ आउट साइड जो टक शॉप है वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जो डोर्स है उन पे पेंट किया गया है सो इस साइड पे भी काम चल रहा है ये डिटेल अपडेट्स होती है वो इस तरह की वीडियो में कवर हो जाती है साथ में वी आई स्टैंड में जो काम चल रहा था उसमें भी अपडेट्स हुई है हालांकि पंजाब असम्बली के साथ साथ के पी असेंबली भी खत्म हो गई है सीएम के पी के महमूद खान अब नहीं रहे नए वजीर आला आ गए जैसे कि आपको पता है पंजाब एंड के पी में इनकी गवर्नमेंट थी वो इन्होंने तहलील कर दी सो इसके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे क्वेश्चन आ रहे थे लोग पूछ रहे थे बट स्टिल स्टेडियम में काम कंटिन्यू है इनके लिए तो फंड प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आई और अब आगे देखते हैं सेनेट के इलेक्शन होते हैं या जनरल इलेक्शन की तरफ जाती है गवर्नमेंट खैर ये पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाएंगे वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं और दूसरा कल जो पी एस एल एट का शेड्यूल अनाउंस हो रहा था उसके हवाले से जो नजम सेठी ने बातें की पिशावर स्टेडियम के लिए कोशिश करूंगा उस पर कोई वीडियो बना दूँ इसमें तो अपडेट्स ही डिस्कस करनी है ऑब्वियसली वो आप देखने आए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें पिचिस पे काम मजीद कंटिन्यू हुआ है आगे पिचिस बस अब रेडी की जा रही है रोलर सामने आपको दिख रहा होगा वो फिर आया जा रहा था और वो डिटेल से आगे डिस्कस कर लेते हैं आखिर तक मेरे साथ रहिएगा वीडियो को भी लाइक कर दें अब वीडियो ज्यादा टाइम बाद आती है तो पूरी देख लिया करें ताकि हर बार की अपडेट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए करें पिछली दो वीडियो में भी मैंने मेंशन किया है कि एनालिटिक्स में दिख रहा होता है सब्सक्राइब करके वीडियो वॉच किया करें खैर यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं हॉस्टल साइड का व्यू आपने देखा बाहर साइड पर तो कुछ डिस्कस करने को है नहीं पहले ये बड़ी बड़ी अपडेट्स की तरफ आ जाते हैं फिर बाकी की जो डिटेल अपडेट्स हैं वो आगे एंड में इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे आपको टफ टाइल दिख रहा होगा ये मजीद भी टफ टाइल आया है और जो जहाँ पे ग्रिल है ये ग्रिल यहाँ पे भी गेट लग गया पहले यहाँ पे गेट नहीं होता था

सेंटर होते हैं स्टेडियम के और इस साइड लेफ्ट साइड से आते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये स्लोप में इस साइड फिनिश हो जाता है लेफ्ट एंड राइट साइड पे गेट्स हैं स्टैंड के ये वो रैम बनाया जा रहा है इसको बैक साइड से फिल कर लिया जाएगा जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए एंड यहाँ पे भी सारा टफ टाइल लग गया है उसमें जो सैंड है वो भी डाल दी गई है ताकि वो भी स्टेडियम में मैच एंजॉय कर सके उनके लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं आगे बढ़ते हैं आगे सेफ्टी ग्रिल का काम मिस ना कीजिएगा उसमें मजीद कुछ नई चीजें अपडेट हुई हैं साथ साथ ये जो जितने भी पिलर्स हैं उनको ब्लैक कलर फाइनल किया गया है ताकि इसके ऊपर जो फ्रंट पे पोर्शन दिख रहा है जहां पे इस तरह से ग्रे कलर की क्लैडिंग की जा रही है ब्लैक तो नहीं है खैर ये थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर है उसमें फिर इन केस जब किसी भी मैचेस के दौरान ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेगी तो उसका व्यू खूबसूरत आएगा एंड ये फिर कवर हो जाएगा ड्रोन व्यू में ज्यादा क्लियर दिखेगा भी नहीं इस साइड पे भी सारा लेबर जो है वो काम कर रहा था ये स्टैंड भी सारा कवर हो गया इसके फ्रंट पे भी वो टफ टाइल लग चुका है आगे बढ़ते हैं जो मैं आपको ऊपर सेफ्टी ग्रिल का कह रहा हूँ वो मिस नहीं करना इस साइड पे भी ये देखें लेबर जो काम कर रहा है पहले इसको फिक्स किया जाता है एंड फिर इसके ऊपर इसको प्रेस करके बीच में सैंड डाल दी जाती है तो वो सारा कवर हो जाता है इस तरह से खैर सीधा ऊपर जाते हैं पहले वो सेफ़्टी ग्रिल का मैं आपको बता रहा था वो कवर कर लेते हैं फिर बाकी की जो क्लैडिंग वगैरह की अपडेट्स हैं आउटफील्ड उसकी तरफ आएंगे एंड पिचेस का मिस नहीं करना पिचेस बनाई जा रही हैं पिचेस को बहुत डिस्कस किया जाता है सो आगे उसकी तरफ आते हैं लेकिन पहले यहाँ पर एक नई चीज़ अपडेट कर दूँ जितनी भी स्टैंड्स हैं उनके बीच में जहाँ पे सेक्शन फिनिश हो जाता है छोटी सी स्टेयर आती हैं जिसके थ्रू आसानी से आप नीचे मूव कर सकेंगे या लेफ़्ट राइट स्टैंड में जा सकेंगे तो वहाँ पे हर एक सेक्शन के बाद इस तरह से एक सेफ़्टी ग्रिल टाइप की स्लोप में आएगी वो आगे जाके मैं क्लोज से दिखा देता हूँ so पहला सेक्शन यहाँ तक फिनिश हो जाता है जिनका टिकट कि उस साइड का जो अगला सेक्शन है उस साइड के लोग भी इस साइड से आसानी से नीचे जा सके बीच में मजीद भी ये स्टेयर बनाई हैं क्योंकि काफी बड़े बड़े स्टेप्स है उसकी मदद से नीचे आना काफी मुश्किल है अब यहाँ से आप आसानी से नीचे आ सकेंगे सो ये तमाम ऊपर क्वालिटी और अपर स्टैंड में अपडेट हो जाएगा बीच में हर एक सेक्शन के साथ साथ अगली अपडेट की तरफ भी बढ़ जाते हैं जो क्लैडिंग वार के सामने आपको दिख रहा होगा उसमें भी लेबर यहाँ पे काम कर रहा है वेल्डिंग चल रही थी नीचे जो फ्रेम है इस तरह से लगा लिया जाता है इसके ऊपर फिर वो क्लैडिंग एल्यूमिनियम क्लैडिंग फिक्स कर दी जाती है ऊपर जाते हैं मजीद सेफ्टी ग्रिल में आपको दिखाता हूँ जो क्लैडिंग है वो दो स्टैंड में अपडेट हो गई है लेकिन वो ऊपर जाके समझाने में क्लियर होगी वो सीधा जाते हैं पहले वो सेफ्टी ग्रिल अपडेट कर देते हैं वो भी मजीद चार स्टैंड कवर होने को ऑलमोस्ट लेकिन ऊपर जाते जाते एक और अपडेट भी कवर कर लेते हैं साथ में टक शॉप्स का मैंने स्टार्ट मैं आपको बताया यहाँ पे डिटेल से ऐड कर रहा हूँ जितने भी डोर्स थे उस साइड पे सारा कलर हो गया पेंट वगैरह चल रहा है एंड जो बड़े गेट्स हैं स्टेडियम में एंटर होने के लिए पांच बड़े गेट वो पहले ग्रीन कलर के हुआ करते थे और जितनी भी ग्रिल थी वो भी ग्रीन कलर की थी लेकिन उसको अब ये वाइट कलर दे दिया गया है सो ये स्टैंड के साथ मैच कर जाएगा तमाम तर स्टैंड इस तरह से वाइट होंगे साथ में एक और बड़ी अपडेट्स भी ऐड कर देते हैं अपडेट्स में अपडेट्स निकलती जा रही हैं ये पहले मैंने नहीं अपडेट किया इसलिए ज़रा थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी बट ये है कि ज़्यादा चीज़ें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जितने भी गेट्स हैं उसका मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे पब्लिक वाशरूम्स बनाई जा रही हैं सो so, इस साइड पे जो सिटी का कांजस्टेड एरिया है यहाँ पे दो बड़े गेट्स हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको दूसरी वाले गेट का दिखाया था यहाँ पे सारा टाइल लग गया है वाशरूम्स रेडी हो रही हैं इस तरह से सिटी साइड का जो दूसरा गेट है वहाँ पे भी वाशरूम्स बना दिए हैं शॉप्स खत्म कर दिए हैं बहुत से लोग ये भी कमेंट किया करते थे कि शॉप्स को फिनिश कर दें सो अच्छा है वो भी फिनिश कर दी दिए उसकी जगह वाशरूम्स आ गई हैं एंड ये कह रहे थे कि हमें भी शॉर्ट में ले लें Uh, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि दिखाया करें लेबर कुछ लोग कहते हैं ना दिखाया करें ये खुद कहते हैं कि हमारे शॉट ले लिया करें हर सबको खुश नहीं किया जा सकता है ये ऊपर से टक शॉप्स का सिटी साइड का एरिया देखें यहाँ पे भी वो आगे जहां तक ग्रिल फिनिश हुई है इस पर एक गेट आएगा बड़ा सा यहाँ से भी पब्लिक इंटर होगी और टक शॉप्स में सारा इलेक्ट्रिसिटी का काम का भी फिनिश हो गया वायरिंग वगैरह हो चुकी है यहाँ पे वो सेफ्टी ग्रिल का नया काम भी अपडेट कर देते हैं और पिचेस को भी साथ में ही कवर कर लेते हैं ताकि ये भी अपडेट हो जाए आप देखें लेफ्ट साइड पर जो पिचेस है उसके ऊपर रोलर फैला फैलाया जो क्ले थी नई क्ले लाई थी मजीद भी उसकी मदद से पिचेस का ये इसको विकेट एरिया ये ग्राउंड सरफेस से थोड़ा सा कुछ इंच ऊपर हो गया है क्योंकि इसके ऊपर फिर रोलर फिर आएंगे ये मजीद प्रेस होगी तभी पिचेस रेडी होंगी एंड ओवरऑल ग्रास जो है वो भी दिन ब दिन बेहतर हो रहा है घना होता जा रहा है सो इसको प्रॉपर फिर कटिंग कर दी जाएगी तो एक ही लेवल में ये अच्छा हो जाएगा इसको यूरिया खाद वगैरह भी टाइम टू टाइम दी जा रही है कटिंग भी हो रही है पिचेस के इर्द गिर्द एंड इस वेदर में भी ग्रीन है तो ओवरऑल अच्छा ग्रास लगा है खैर सेफ्टी ग्रिल का एक और ये नया स्टैंड कवर हो गया है ग्रीन कलर की चेयर्स के सामने वाला सो इन शॉर्ट ये तीसरा स्टैंड कवर हुआ है सेफ्टी ग्रिल का एंड इसी के साथ जो लेफ़्ट साइड पर एक और ग्रीन स्टैंड है उसके लिए भी यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल सामने रख दी गई है इसको भी बस इंस्टॉल कर रहे हैं सेफ्टी ग्रिल का काम बस फिनिश कर रहे हैं एंड चौथा वो सबसे पहले जो कवर हुआ था येलो कलर की चेयर्स का स्टैंड उसकी सेफ़्टी ग्रिल फिनिश हुई उस पर तो वो क्लैडिंग भी फ्रंट पर हो गई है क्लैडिंग इस सेफ्टी ग्रिल के बाद कवर कर लेते हैं एंड इस तरह से जो सेकेंड स्टैंड कवर हुआ था ग्रिल का वो सामने ब्लू वाला था जो मैंने पहले ही अपडेट कर दिया वहाँ पर मज़ीद जो नई चीज़ें अपडेट हुई वो भी दिखा दी एंड साथ साथ जो एल ई डी लाइट्स के लिए केबल ट्रे के वर्क के है उसके लिए भी वर्क ऊपर काम कर रहे हैं सो so, इस तरह से ये हर सेक्शन में जगह जगह पर काम हो रहा होता है लेबर काम कर रहे होते हैं बट यह है कि उस टाइम आपके साथ अपडेट शेयर की जाती है जब कोई लेबर ना हो और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो कुछ लेबर वीडियोज़ में आना पसंद नहीं करते सो फिर कमेंट्स आते हैं कि कोई दिख रहा नहीं है काम नहीं हो रहा होता लेकिन यह है कि काम हो रहा होता है जगह जगह पर एंड कभी कभी वीडियोज़ में हम दिखा भी देते हैं ताकि आप लोगों की तसली हो जाए जैसे इस वीडियो में आपने देखा और जो पोवलियन के इनसाइड काम शुरू हुआ था प्रीवियस वीडियो में हमने अपडेट किया था उसके लिए जो रूफ़ सीलिंग का काम था वो हमने आपको पिछली वीडियो में अपडेट कर दिया था उसमें मज़ीद ज़्यादा बड़ी अपडेट्स आई नहीं है यह है कि वो सारा फ्रेमवर्क रेडी किया जा रहा है नो बाकी अपडेट्स आएंगी तो हम आगे वीडियोस में कवर करते रहेंगे तो so, ये सेफ़्टी ग्रिल का भी अपडेट हो गया चार स्टैंड्स आलमोस्ट कवर होने को हैं तीन तो हो गए हैं चौथे के लिए अब काम शुरू हो गया एंड जो नीचे वाले टेयर में कुछ अपडेट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ ये भी साथ में नोट करते जाएँ जितनी भी चेयर्स थी उसके ऊपर जो कवर लग रहे थे उसका काम भी फिनिश होने का है और uh, क्लैडिंग का इनो you know, उसका आप वेट कर रहे हैं आगे वीडियो में मैं अपडेट कर रहा हूँ साथ साथ स्क्रीन के बारे में एंड जो जनिश चेयर्स लास्ट वाले स्टैंड में रहती हैं उसके हवाले से भी एक अपडेट है स्क्रीनस का ये है कि इसके तो फ्रेम्स रेडी हैं यहाँ पर भी लेफ्ट वाली स्क्रीन एंड राइट साइड वाली इलेक्ट्रिकल स्कोर बोर्ड वन एंड टू दोनों रेडी हैं इसके लिए मॉड्यूल्स विद इन वन मंथ आ जाएंगे मैंने डॉक्ट टॉनिक्स वाले से बात की है वो बता रहे थे एंड वो कह रहे थे कि मज़ीद भी तीसरी इलेक्ट्रिकल स्कोर बोर्ड के लिए बात चल रही है साथ में डिजिटल जो बाउंड्री होती है उसके वाले से भी कुछ डिस्कशन चल रही है अभी कुछ कन्फर्म नहीं है उस हवाले से इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो अपडेट आएंगे वो मैं आने वाली वीडियो में कवर कर लूंगा सो थर्ड स्कोर बोर्ड के हवाले से बात चल रही है एंड डिजिटल बाउंड्री जो है उस हवाले से मुझे कुछ बताया उन्होंने लेकिन वो अभी मैं कन्फर्म नहीं कर सकता इसलिए फिर आगे वीडियोज़ में लोग आएंगे कि अभी इंस्टॉल नहीं किया आप बता रहे थे इंस्टाल करेंगे सो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर मुझे मज़ीद कुछ न्यूज़ मिलेंगी और यहाँ पर मैं क्लैडिंग वर्क ऐड कर लेता हूँ नो उसका आप वेट कर रहे हैं फिर सारी अपडेट्स जो आपको क्लियर हो जाएंगी क्लैडिंग वार की है कि दो स्टैंड्स कवर होने को एक तो पूरा कवर हो गया इसके ऊपर से फिर वो रैप या टा लिया जाएगा ये ग्रे कलर की क्लैडिंग है बीच में जो पिलर्स का पोर्शन एम्प्टी छोड़ा हुआ इसके लिए थोड़े सा जो क्लैडिंग है उसको बैंड uh, करेंगे ये गोलाई में है यहाँ बीच में लगेगा वो पीस भी तो ये फिर पूरा फ्रंट का पोर्शन बीच में जो पिलर हैं ग्रे कलर के उसके साथ मैच कर जाएगा एंड इसका व्यू और भी मजीद बेहतर हो जाएगा ऊपर की सेफ्टी ग्रिल वाइट नीचे की जो ग्रिल है वो भी वाइट तो व्यू देखें अब बेहतर हो रहा है इसी के साथ साथ आगे मूव करें तो जो ग्रीन वाला स्टैंड है उसमें अब वो सामने सेफ़्टी ग्रिल रखी है उसकी इंस्टॉलेशन शुरू होनी है यानी कि चौथे स्टैंड में लेकिन नीचे पिलर आप नोटिस करें तो वो सारे ग्रे कर दिए गए हैं एंड ये अभी कवर हुआ है इसमें काम चल रहा था और जो क्लैडिंग है वो दो स्टैंड में कवर हुए एक तो दिखा दी सामने आपको दूसरी क्लैडिंग यहाँ ब्लू वाले स्टैंड में फ्रंट पोर्शन पे कवर हुई इसका एक सेक्शन रहता है उसमें काम चल रहा था सो यहाँ पे भी बीच में जो आपको स्पेसि दिख रहे हैं इसके ऊपर भी क्लैडिंग आएगी वो थोड़ा सा बैंड करेंगे एंड इसके ऊपर फिर जो जब मैचेज़ होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट करती है पी सी बी सो उससे व्यू खूबसूरत आता है डबल टी स्टेडियम दिखता है एंड जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे ये फाइनल मराइल में दाखिल होता जाएगा इसकी मज़दीद खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन का काम होगा सारी डेकोरेशन इसकी निकलती जाएगी तो व्यू और भी बेहतर होता जाएगा एंड आउटफील भी थोड़ी सी ग्रीन हो जाए मजीद देखें यहाँ से भी स्टिल आप इमेजिन कर सकते हैं जब ये कंप्लीट रेडी होगा तो व्यू और अच्छा हो जाएगा इसका साथ साथ रूफ़ के वाले से भी एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि इसका काम तो कंटिन्यू था बस कुछ ही पीसेस रहते हैं शीट्स के जो बड़ा पीस है वो भी सामने अब लगा रहे हैं जो गेट के ऊपर आया हुआ है सो so, ये जब कवर हो जाएंगे फिर मैं आपके साथ ड्रोन वीडियो भी शेयर कर दूंगा तो ओवरऑल एक व्यू कवर हो जाएगा बर्ड आई व्यू में सो so, रूफ शीट्स का काम भी रिज्यूम कर दिया है एंड एक और लास्ट अपडेट भी ऐड कर देता हूँ फिर वीडियो को फिनिश कर देंगे जो लास्ट टाइम में स्पेनिश चेयर रिमेनिंग थी मैंने आपको कहा था कि यूरो वन हंड्रेड सीटिंग चेयर स्पे से स्पेन से मंगवाई थी बहुत पहले उस टाइम इम्पोर्ट का इतना इशू नहीं था सो बहुत सारी चेयर्स यहाँ एंड हैदराबाद दोनों के लिए मंगवा ली थी लेकिन यहाँ एक स्टैंड के लिए थोड़ी सी कम पड़ गई उसका भी एक ऑर्डर प्लेस कर दिया मेरी बात हुई तो उस पेन से वो भी आ जाएंगी एंड स्टैंड को भी कवर कर लिया जाएगा यहाँ पे भी वो फ़ाइनल जो सफाइयाँ थी स्टैंड की वो की जा रही थी एंड इसमें चिप्स भी लाइए वी आई पी स्टैंड के ऊपर वाला स्टैंड है सो so इसमें सामने लेबर काम कर रहा था नीचे अगर मैं आपको क्लोज शॉट में दिखाऊँ तो ये सारे साफ़ किए हुए क्लियर किए हुए इसके ऊपर वो चिप्स का काम कर रहे थे एंड इसकी चेयर्स के वाले से मुझे अब तक ये अपडेट मिली है बाकी जब चेयर्स आ जाएंगी तब हम अपडेट कर देंगे सो so, फिलहाल ये न्यूज़ है वो बता रहे थे कि इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया ये मीडिया बॉक्स से एक पोर्शन से आपको सामने व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे कमेंटेटर्स बैठ के भी कमेंट्री करेंगे सॉरी यहाँ पे लास्ट अपडेट मैं ऐड कर देता हूँ मैं समझा वो वाली लास्ट थी वो सेकंड लास्ट थी चेयर्स की यानी ये वी स्टैंड आ गया तो इसको भी साथ में ही कवर कर लेते हैं इसकी जो बैक पर वॉल बन रही थी सिक्योरिटी के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर किया गया सो वो भी फिनिश कर दिया गया उस साइड पर आगे प्लस्तर भी हो गई है एंड इस साइड की फिनिश करके प्लस्तर की जा रही थी ये ऑब्वियसली जो चीफ गेस्ट हैं इसकी जो अरेंजमेंट्स है सेटिंग्स वगैरह वो वी की जाएंगी तो उसके लिए बैक पे जो सिक्योरिटी वाल है उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है सो so, ये तमाम तरह अपडेट्स थी एंड पिचेस का भी अपडेट कर दिया आउटफील्ड स्टैंड बाउंड्री ग्रिल एंड जो नई चीज़ें आई वो भी डिस्कस कर लीं नाइन पिचज़ यहाँ पर बनाई जा रही हैं पूरे स्क्वायर विकेट एरिया में सी ये कैसा बिहेव करती है फिर जब मैचेस यहाँ पे होस्ट होंगे सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही उम्मीद है बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या सोशल मीडिया है उस पर आके फॉलो कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर हाफि